हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के, आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक रिजल्ट शीट दिखाई दे रही है। ये रिजल्ट शीट आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहां पर अगर मान लीजिए कि हमें टोटल करना है तो काम सबसे आसान होता है, इज इक्वल टू सम का फंक्शन लगाते हैं और सम का फंक्शन लगा के इन सारे डेटाज को एक लाइन में लिखे हुए सारे डेटाज को, या ये ध्यान दीजिएगा कि ये राम की रो नंबर 2 है, तो रो नंबर 2 में सब्जेक्ट 1 से शुरू होकर के माउस का आपको लेफ्ट बटन दबा लेना है और एक बार दबाना है तो छोड़ना नहीं है और यहां से ड्रैग करते हुए यहां तक आ जाना है। आ जाएंगे तो इसका सेल एड्रेस आ गया, ये सेल एड्रेस है यानी C2। यहां से लेकर यहां तक के सारे डेटा हमने सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे टोटल आ जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत आसान सी चीज है। डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर इनेबल फिल हैंडल की सर्विस होती है, दैट्स वाई सबका आना लाजमी है, सबका जो रिजल्ट है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पर एवरेज को कैलकुलेट करना है, तो एवरेज भी यहां पर एक लाइन में आप सेलेक्ट कर लेंगे यहां तक का पूरा डेटा, तो एवरेज भी आपके सामने एकदम करेक्ट आ जाएगा। फिर यहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो इनेबल फिल हैंडल होने के चलते ये सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर कंट्रोल ए करके अल्ट एच बी ए करिएगा तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर अप्लाई होने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर फिल्टर लगाना है। तो आप क्या करते हैं, इस डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और यहां पर एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। देखिए शॉर्टकट का बड़ा महत्व है, या तो आप डेटा टैब पे जाके फिल्टर लगाइए, यहां से फिल्टर लगा सकते हैं, या शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। आप होम टैब पे भी जाके फिल्टर लगा सकते हैं, यहां से होम टैब पे जाएंगे शॉर्टकट फिल्टर ऑप्शन मिलता है, तो यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर आप एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहां पर फिल्टर की शॉर्टकट की भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहां पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर शॉर्टकट की दिखा रहा है कंट्रोल शिफ्ट एल, यानी फिल्टर की शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल शिफ्ट एल। लेकिन एक और शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, अल्ट एक बार प्रेस कीजिए, फिर डी, फिर एफ, फिर एफ। Alt D F F प्रेस करने से भी शॉर्टकट की ये है फिल्टर की शॉर्टकट, ये प्रेस करने से ही फिल्टर अप्लाई हो जाता है। और आप फिल्टर करते हैं ऐसे, यहाँ पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए रोल नंबर जो है, कोई रोल नंबर हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर रोल नंबर केवल 3 चाहिए, तो 3 कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो केवल रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड दिखाई देता है। लेकिन इससे भी बेहतर बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं बात करने जा रहा हूँ स्लाइसर की। किसकी, स्लाइसर की, यानी ये सारा ही फिल्टर एक और स्लाइसर एक और। अब स्लाइसर क्या होता है, कैसे आएगा स्लाइसर, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये इसके लिए पहले काम करिए, इस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करिएगा तो ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए करने से डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाता है, और फिर आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिससे कि हम इसे टेबल फॉर्मेट दे सकें। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिएगा, तो कंट्रोल टी प्रेस करते ही ये क्रिएट टेबल वाली विंडो ओपन होगी और यहां पर ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही ओके करिएगा ना, तो स्लाइसर एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। आप यहां इंसर्ट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। देखिए यहां पर काफी सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही होंगी, आई होप, ठीक है। और इसी में आपको मिलेगा ये ऑप्शन स्लाइसर का। अब ये स्लाइसर कैसे काम करेगा वो दिखाता हूं, ठीक है। आप चाहे तो इसका, जैसे ये देखिए ये व्हाइट हो गया है, तो ये व्हाइट कलर जो है चेंज कर सकते हैं, यहां से आप इसको ब्लैक कर सकते हैं या कोई और कलर यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कलर जो है यहां से आप बदल सकते हैं, यहां से जाके ये कलर ले सकते हैं। तो ये देखिए ये अब एकदम क्लियरली दिखाई पड़ने लगा। अब आ जाते हैं वापिस कहां, स्लाइसर पर। स्लाइसर ही हमारा मेन टॉपिक है आज का, तो स्लाइसर ये है हमारा, ठीक है। अब कैसे लेंगे स्लाइसर, इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ रोल नंबर, तो यहां से अब स्लाइसर ले लेते हैं हम फिर से। यहाँ पर पहले तो इसे टेबल फॉर्मेट हमें देना होता है स्लाइसर बनाने के लिए, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और यहाँ पे स्लाइसर आपको दिखेगा तो क्लिक करिएगा, यही जो है आपको नजर आएगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल केवल रोल नंबर लेता हूं और ओके कर देता हूं, तो ओके करने पर ये एक बॉक्स हमें दिखाई देगा, इसको मैं किनारे साइड में कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए डेटा का एनालिटिक कितना आसान होगा स्लाइसर की मदद से, स्लाइसर की मदद से। अब हमारे पास कितना रोल नंबर है, कितना क्या चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर 1 से लेके 15 तक ही है। हो सकता है आपके पास 1500 तक हो, अब 1500 तक होगा तब तो डेटा को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करिए, स्लाइसर बनाइए। अब देखिए ये मैंने रोल नंबर का स्लाइसर बना रखा है, देखिए केवल रोल नंबर ही लिया है और कुछ तो लिया नहीं है मैंने। और यहां पर आप स्क्रॉल ये दिख रहे होंगे, इस तरीके से स्क्रॉल करने पे हम इसे स्क्रॉल करके नीचे तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको केवल रोल नंबर 13 का डेटा देखना है,
तो इस 13 वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल और केवल रोल नंबर 13 का डेटा आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रोल नंबर 12 का डेटा देखना है, 12 का देख लीजिए, जिसका देखना है इजिली आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। और यहां पर आप मल्टीपल शीट पे भी जा सकते हैं, तो फिलहाल हमारा मल्टीपल शीट वाला कोई ऐसा ये नहीं है। और अगर पूरा डेटा देखना है तो इस पे क्लिक करिएगा, ये देखिए क्लियर फिल्टर दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा दिखेगा। फिर मान लीजिए रोल नंबर 2 का देखना है तो रोल नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो रोल नंबर 2 का दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करेंगे उस पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए यहां पर इस पे क्लिक करके फिर मैंने यहां पर 1 पे क्लिक किया तो 1 वाला डेटा दिखाई पड़ रहा है। अब फिर यहां पर जाएंगे और ये मल्टीपल अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिलहाल मल्टीपल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, और यहां पर ये क्लियर फिल्टर कर दिया, ठीक है। फिर इस पे क्लिक करेंगे, अब मल्टीपल सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब 7 पे क्लिक करेंगे तो 7 वाला डेटा ही दिखाई देगा, देखिए ये क्लिक किया हमने तो ये केवल 7 वाला ही डेटा दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो ये ज्यादा बेहतरीन है कि वो वाला फिल्टर ज्यादा बेहतरीन है, अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैं वापिस आता हूं यहां पर और इस जो ये स्लाइसर लगाया है इसको मैं क्लोज करता हूं। एक और चीज दिखाता हूं, यहां से इंसर्ट टैब पे गए हम, फिर से कहां पे गए, इंसर्ट टैब पर, ठीक है। और इंसर्ट टैब पे जाके क्या करना है आपको, वापस स्लाइसर पे ही जाना है। स्लाइसर पे गए, इस बार हम नेम ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहां से ओके कर देते हैं तो यहां पर ये फिर स्लाइसर आएगा। अब स्लाइसर का फायदा कि आपको हिना का नंबर देखना है, हिना पे क्लिक कर दीजिए, केवल हिना नजर आएगा। लोकेश देखना है, लोकेश पे क्लिक कीजिए, केवल लोकेश नजर आएगा। मोनिका देखना है, मोनिका पे क्लिक कीजिए, जिसका भी देखना है उस पर क्लिक करिएगा, केवल वही नजर आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा थोड़ा सा नया है, तो आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आएगा। इसमें आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसको और भी ज्यादा एडवांस लेवल पे यूज कर सकते हैं। अब ये सारी बातें एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि क्या इस स्लाइसर को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जैसे ही हम आते हैं तो ये स्लाइसर वाली विंडो दिखती है, ये स्लाइसर पे ही हम हैं, और स्लाइसर में जाकर के यहां पर बहुत सारे स्लाइसर दिखेंगे, तो न्यू स्लाइसर स्टाइल पे चलते हैं और यहां से आप न्यू स्लाइसर स्टाइल ले सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर सेलेक्टेड आइटम विथ डाटा है, तो यहां पर जाकर के क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, अब यहां पर देखिए ये चेंज भी होगा, देखिए ये येलो कलर में हो गया, ये रेड कलर में हो गया, तो यहाँ पे स्टाइल भी चेंज होती रहेगी, जैसा स्टाइल चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। यहाँ से जाके देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लिया तो ऐसा दिखेगा ये स्लाइसर हमारा, ठीक है। और यहाँ देखिए कलर भी चेंज होगा, यहाँ पर देखिए ये तो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, अगर मैं माउस का कर्सर नहीं ले जाता हूं तो, और अगर मैं ले जाता हूं तो ये येलो बन जाता है, तो है ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये स्लाइसर। उम्मीद करता हूं कि स्लाइसर आपको समझ में जरूर आया होगा, तो इस स्लाइसर का आप आराम से यूज कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है स्लाइसर को यूज करने में तो मुझे बताइए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और आपका काम और आसान हो जाएगा। अब आप इसको यहां से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए मैंने बड़ा कर दिया इतना, तो ये स्लाइसर इस तरीके से दिख रहा है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, माउस का स्क्रॉल व्हील बटन यूज कीजिए और उससे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। और इजी वे में आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।